नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और खबर जुड़ी है शिक्षा विभाग से, खबर जुड़ी है के पाठक से, जिनका एक्शन ताबड़तोड़ जारी है। और कौन कहता है कि के पाठक को रोक लिया जाएगा, कौन कहता है कि के पाठक के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। के पाठक अपनी ही धुन में है, के पाठक से नाराज कई तबके कई लोग हैं बिहार में, के पाठक की सराहना करने वाले भी कई लोग हैं बिहार में, लेकिन के पाठक इन बातों को नजरअंदाज करते हुए अपना काम कर रहे हैं। और एक बार फिर से इसकी बांगी राजधानी पटना में दिखी है, जहां पर एक साथ कई हेडमास्टर को नाप दिया गया है। के पाठक के आदेश का पालन यदि नहीं करते हैं तो आप ये समझ कर चलिए कि बिहार के सरकारी स्कूलों में आप ज्यादा दिनों तक नहीं है। और यही किया है के पाठक ने, एक साथ 10-20 नहीं बल्कि 30 से ज्यादा हेडमास्टर को नाप दिया गया है, उनका वेतन रोक दिया गया है। और क्यों हुई है यह बड़ी कार्रवाई, वो भी जान लीजिए। दरअसल के पाठक ने, आपको पता है कि जब से शिक्षा विभाग की कमान संभाली है, अपर मुख्य सचिव के तौर पर जब से यहां पर पद संभाला है उन्होंने, तब से ही बिहार के शिक्षा व्यवस्था में अंधाधुंध सुधार किए जा रहे हैं। एक क्रांतिकारी तौर पर कदम उठाया जा रहा है शिक्षा विभाग में, जो अब तक नहीं हुआ था, वो सब कुछ के पाठक कर रहे हैं। अब देखिए क्या हुआ है, के पाठक के आदेश पर दोषी और लापरवाह शिक्षकों का वेतन बंद करने से लेकर निलंबन तक की कार्रवाई हो रही है। इस बार पटना जिला के डीईओ यानी कि जिला शिक्षा पदाधिकारी अमित कुमार ने बड़ी कार्रवाई की है। के पाठक के आदेश पर डीईओ ने पटना जिले के 35 स्कूलों के प्राचार्यों का वेतन रोक दिया है। अब जानिए क्यों रोक दिया है, क्या किया इन्होंने। सभी प्राचार्यों पर आरोप है कि उन्होंने सफाई मद में पैसा रहने के बावजूद साफ सफाई का ख्याल नहीं रखा। मामले की पोल तब खुली जब शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने इन सभी स्कूलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण में स्कूल के शौचालय से लेकर कैंपस और क्लासरूम में साफ सफाई नहीं थी। और इसके बाद सभी डीईओ ने पहले स्पष्टीकरण का जवाब मांगा, लेकिन जब संतुष्ट नहीं हुए जवाब पर, तो सभी प्रिंसिपल्स का वेतन जो है रोक दिया गया है। डीईओ की माने तो इन सभी स्कूलों को बतौर कंपोजिट ग्रांट के लिए 50,000 और 25,000 दिए गए थे, बावजूद स्कूल प्रशासन ने एक भी रुपए खर्च नहीं किए और साफ सफाई का ख्याल नहीं रखा। उच्च माध्यमिक विद्यालय हथियारपुर, बख्तियारपुर साइंटिफिक हाई स्कूल के साथ ही और भी कई स्कूलों के नाम है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। बीएसएस माध्यमिक विद्यालय बेहटा, उच्च माध्यमिक विद्यालय विक्रम, उच्च माध्यमिक विद्यालय महजपुरा, केदारनाथ बालिका उच्च विद्यालय गर्दनीबाग समेत 15 स्कूल शामिल हैं। हाल के दिनों में शिक्षा सुधार अभियान के तहत कई स्कूलों का निरीक्षण किया जा रहा है, और जुलाई के 1 तारीख से स्कूलों के निरीक्षण का जो कार्यक्रम के पाठक के निर्देश पर चल रहा है, उसमें कई सारी खामियां देखने को मिली हैं। और उन्हीं खामियों को दुरुस्त करते हुए लापरवाह शिक्षकों और हेडमास्टरों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। के पाठक कई जगहों पर आप खुद भी देख रहे होंगे, रात बिरात पहुंच जाते हैं, दिन देखते हैं न रात देखते हैं। और अब राजधानी पटना में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 35 स्कूलों के प्राचार्यों का वेतन रोक दिया है। इनकी लापरवाही भारी पड़ी है, पैसे को खर्च नहीं करना इन पर भारी पड़ गया है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ, धन्यवाद।